लिखा है जॉन कीट्स ने। अभी हम इस पोयम को समझाएंगे। ये पोयम जो है एक्चुअली में ये एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द फेमस पोयम एंडिमियन। एंडिमियन जो है वो एक पोयम है, एक लोक पोयम है, इपिक है, जिसका की पार्ट है ये जो पोयम आपके कोर्स में दिया हुआ है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इसका मतलब है कि एक सुंदर चीज वो हमेशा के लिए खुशी का स्रोत होती है। इट इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस दैट एग्जिस्ट फॉर एवर। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और समय के साथ साथ उसकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है, और वो कभी भी कुछ नई में नहीं परिवर्तित हो सकता, चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि एक सुंदर चीज़, जब हम कोई सुंदर चीज़ देखते हैं या फिर कोई सुंदर एक्सपीरियंस जिसको कि हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो वो हमेशा हमारे साथ रहता है, क्योंकि वो हमारे दिमाग पर एक छाप छोड़ जाता है और वो हमेशा हमारे साथ रहता है, और समय के साथ साथ वो बढ़ता ही जाता है, उसकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है। बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। इसका मतलब ये है कि जैसे बोर मतलब पेड़ की छाव, तो जो शांति एक पथिक को, एक ट्रैवलर को एक पेड़ का छाव देता है, वो धूप से उसको बचाता है, ठीक उसी तरह से एक सुंदर चीज़ हमको उतनी ही खुशी देती है, उतनी ही मन की शांति देती है, उतनी ही शांति जितनी कि एक नींद, एक ऐसी नींद जिसमें कि बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे सपने भरे हों, तो वो खुशी हमको एक सुंदर चीज़ दे सकती है। या फिर एक हेल्दी, जब हम बहुत स्वस्थ होते हैं या फिर हमारी सांस नॉर्मल होती है, हम स्वस्थ होते हैं, तो एक सुंदर चीज़ हमको उतनी ही खुशी देती है, उतनी ही मन की शांति देती है, जितनी कि एक पेड़ की छांव दे, या फिर एक ऐसा नींद दे जिसमें कि प्यारे सपने भरे हों, या फिर एक हेल्थ दे, मीन्स अच्छा स्वास्थ्य जितना मन की शांति देता है उतना ही उतनी ही एक सुंदर चीज़ उतनी ही मन की शांति हमको देती है। Therefore, on every morrow, I'll be wreathing a flowery band to bind us to the earth. इसका मतलब है कि इसलिए हम हर सुबह, morrow means सुबह, हर सुबह हम एक फ्लावर, एक फूलों का एक गजरा तैयार करते हैं, ताकि वो हमको इस पृथ्वी से बांध करके रख सके। जैसे कोई भी खूबसूरत चीज़ होती है, फ्लावर एक खूबसूरत चीज़ है, इट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसका मतलब है कि हम चारों तरफ एक चीज़, कुछ खूबसूरत चीज़ों को, खूबसूरत एक्सपीरियंसेस को हम बांध, अपने चारों तरफ बांध के रखते हैं, ताकि उस एक्सपीरियंस के सहारे हम इस दुनिया में रह सके, अपने जीने का मकसद पता कर सके। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर, स्पाइट का यहाँ पे मतलब हो रहा है इन स्पाइट ऑफ, मीन्स के बजाय, तो हमारे जीवन में उम्मीद नहीं रहती है, यूजुअली उदासी रहती है, उन चीज़ों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस मीन्स उदासी के बावजूद, हम और एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर अच्छे लोगों की बहुत कमी है, एक्सट्रीम डर्थ, इनह्यूमन डर्थ है ऑफ नोबल नेचर, मतलब अच्छे लोग नहीं हैं, फिर भी हम बहुत एक सुंदर चीज़ जो होती है वो हमको खुशी प्रदान करती है। ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केड वेज मेड फॉर आर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, मतलब हर चीज़ के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, इन स्पाइट ऑफ लैक ऑफ गुड ह्यूमन बींग्स, मीन्स कि उम्मीद का ना होना, लैक ऑफ होप, इन स्पाइट ऑफ अच्छे लोगों का ना होना, उसके बावजूद, या फिर हमारे जीवन में सिर्फ दुख है, अंधकार है, उसके बावजूद हम खुश रह सकते हैं, अगर हमारे चारों तरफ सुंदर चीज़ें हैं, या फिर हमारे पास कुछ सुंदर यादें हैं, या फिर कुछ अच्छे लोग हैं, तो हम खुश रह सकते हैं। हालांकि ये दुनिया जो है वो ख़राब लोगों से भरी है, बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो शायद अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई सुंदर चीज़ है हमारे पास, तो हम खुश रह सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डार्कनेस, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस सैडनेस, इन सब दुख के बावजूद हम सभी खुश रह सकते हैं। Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the ball from our dark spirits. मतलब पिछले कुछ लाइनों में जो अभी तक दर्शाया गया कि हमारे जीवन में बहुत सारे दुख हैं, अंधकार छाया हुआ है हमारी जिंदगी में, पर उन सब के बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, सुंदर चीज़ें, जो कि हमारे डार्क स्पिरिट्स, मतलब हमारे उदासी चेहरों पर से, उदासी
भरे आत्मा से एक कवर, जो दुख की कवर है, जो एक डार्कनेस का कवर है, वो हटा सकती है और हमें खुशियाँ दे सकती हैं। ये सुंदर चीजें क्या हैं? तो ये है द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बूम फॉर सिंपल शीप। तो ये सन, मून, ट्रीज और ये जो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे हर किसी को छाव देते हैं। इसलिए पेड़ों को सबसे खूबसूरत चीज़ मानी गई है, क्योंकि ये सुंदर होते हैं और हर चीज़ को, हर किसी को छाव देते हैं। ये नहीं देखते अमीर है, गरीब है, बलवान है या कमज़ोर है, यहाँ तक कि वो एक सिंपल, एक साधारण से पेड़ को भी छाव प्रदान करते हैं, छाव देते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और इसी तरह से ये सुंदर चीज़ों में डैफोडिल्स को भी गिना जाता है। डैफोडिल्स एक तरह का फूल है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। और विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश के बहुत अच्छे पोएट हैं, उन्होंने एक पूरी कविता ही इस डैफोडिल्स पे लिख दी है। तो आप समझ सकते हैं कि डैफोडिल्स एक बहुत ही खूबसूरत फूल होता है। द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन मीन्स दे लिव इन अ ग्रीन वर्ल्ड, वो लोग एक सुंदर हरे भरी दुनिया में रहते हैं, जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, उनके बीच वो रहते हैं। और नेचर जो हमारी प्रकृति है, वो सबसे सुंदर जो है वो जंगलों में ही मानी जाती है, जंगलों में ही होती है, तो वहाँ पर ये सारी सुंदर चीज़ें रहती हैं। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स कहते हैं छोटी नदियों को, स्ट्रीम्स को, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक, यहाँ पे कॉमा दिया, ये अगेंस्ट है, अगेंस्ट द हॉट सीजन, यहाँ ए मिसिंग है, मीन्स गर्मी के सीजन में। कोवर्ट कहते हैं आश्रय को, शेल्टर को। तो गर्मी के सीजन में ये जो पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होते हैं, या फिर जो नदी होती है, नाले होते हैं, नाले जैसे छोटी नदियाँ जो होती हैं, वो सब एक हमको एक शेल्टर देती है, एक आश्रय देती है गर्मी के सीजन से। मतलब कहीं पे भी हम चल रहे हैं, बहुत कड़ी धूप है, हम पेड़ के नीचे बैठ के आश्रय लेते हैं, ठंडक पाते, ठंडे पानी को पीते, तो ये सब हमको बहुत खुशी देती है, बहुत आनंद देती है, हमारे जीवन में से परेशानियों को दूर करती हैं। ये सारी सुंदर चीज़ें हमको मन की शांति प्रदान करती हैं। रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। और ये जो जंगल है, पेड़ पौधे, जंगलों के बीच एक खुशबू भी रहती है, खुशबूदार जो फूल होते हैं उनकी खुशबू वहाँ पर रहती है, जैसे गुलाब की, मस्क की, ये जब खिलते हैं तो एक खुशबू होती है और वो खुशबू पूरे जंगल में बिखरी होती है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। ग्रैंडियर कहते हैं बहुत भव्यता को। तो जो लोग बहुत अच्छे काम करते हैं या फिर जो बड़े लोग मरते हैं, तो उनकी याद में हम कोई मॉन्यूमेंट बनाते हैं, टॉम्ब बनाते हैं, कुछ जैसे कि ताजमहल है। ताजमहल एक तरह का मॉन्यूमेंट है, जो कि मुमताज़ महल के मरने के बाद उनके शौहर पति शाहजहां ने बनवाया था। तो ऐसी भी बहुत खूबसूरत चीज़ें, तो ये सारी जो टॉम्ब्स है, मॉन्यूमेंट, जो खूबसूरत चीज़ें जो कि बहुत ही प्रसिद्ध लोगों के मरने पर बनाई जाती है उनकी याद में, सो दैट कि वो मर तो गए लेकिन वो हमेशा के लिए अमर हो जाए, उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहें। तो खूबसूरत चीज़ों में, थिंग्स ऑफ ब्यूटी में इन ये सब इन्वॉल्व हैं। देन ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, और वो सारी कहानियाँ, सुंदर चीज़ें, मैंने पहले भी कहा, दैट आर इवन स्टोरीज, द गुड सॉन्ग्स, जो अच्छी गाने हम सुनते हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, प्रसिद्ध लोगों के बारे में सुनते हैं जिनसे हमको खुशी मिलती है। जैसे कि एक बहुत ही प्रसिद्ध आदमी, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी के लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री से ले लें रानी लक्ष्मी बाई के लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है। अगर हम अपने लाइफ से थक गए हैं तो हमको फिर से एक जीवन मिलता है, फिर से अच्छे ढंग से सोच पाते हैं। तो जो फेमस स्टोरीज होती हैं उनको पढ़ के हमें फिर से लाइफ मिलता है, हमारे जीवन में फिर से एक रंग आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ स्टोरीज होती हैं जिनको पढ़ के हम हंसते हैं, हास्यास्पद कहानियाँ, तो ये सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी में है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग। और ये सारी सुंदर चीज़ें जो है वो भगवान के द्वारा हमें एक गिफ्ट है, सबसे अच्छा गिफ्ट है शायद ये सुंदर चीज़ें, जो कि हमेशा हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में खुशियाँ देते रहती हैं। और ये सुंदर चीज़ें एक एंडलेस फाउंटेन है, जैसे कि एक झरना हो जो कि जिसमें से हमेशा ही पानी गिरता रहे, ठीक उसी तरह से जो सुंदर चीज़ें हैं वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी जगह जहाँ पे हमें हमेशा खुशियाँ ही मिलेंगी, जो हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ ही देंगे।
तो ये जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जैसे कि सन मून, देन व्हाट आर दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी? दे आर द सन, द मून, द ट्रीज, द शीप, एनिमल्स लाइक शीप, लैम, द डैफोडिल्स, देन दीज रिल्स, और द स्मेल, द फ्रैग्रेंस ऑफ मस्क एंड रोज, द लवली स्टोरीज, द मॉन्यूमेंट्स, द टॉम्स. ये जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं, दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी. एंड दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदर चीज़ें जो है वो एक स्रोत हैं हमारे लाइफ में खुशियों का, जो कि हमारे साथ हमेशा बना रहता है. ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे से पोएम समझ में आया होगा, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी. अगर आपको अच्छा लगता है मेरे पढ़ाने का तरीका, सो प्लीज़ देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इन पोएम को समझने में, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को, उस क्वेरी को डाल सकते हैं, या फिर आप हमको ईमेल कर सकते हैं @swarnshikha28@gmail.com. स्पेलिंग है SWARNSHIKHA28 @gmail.com. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस पोएम से रिगार्डिंग, तो आप हम इस साइट पर आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं. थैंक यू.